हेलो फ्रेंड्स, देखिए डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है सेमेस्टर में बीटेक वालों को, कुछ यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो आईटी और सीएससी वालों को आता है। देखिए हम उसका आज फर्स्ट टॉपिक करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से जो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखिए करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इसकी डेफिनेशन और साथ में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हम सी लैंग्वेज यूज करके समझेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज यूज करके ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आज हम सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लेंगे और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो समझेंगे। और टॉपिक करते हैं हम अपना, क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या है, जो कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर डेटा सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर पहला टॉपिक है। ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एक कुछ नहीं है, बट बस एक पर्टिकुलर वे है कि किस चीज का डेटा को ऑर्गेनाइज करने का हमारे कंप्यूटर के अंदर, मतलब हमारा जो डेटा होता है उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बस वो तरीके को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। हम अपने डेटा को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे एफिशिएंटली यूज कर सके फ्यूचर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, डेटा को देखने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। यही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि हमें फ्यूचर बेसिस में कभी कुछ देखना हो, कुछ मैनिपुलेट करना हो, सब ये टास्क होते हैं तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे डीबीएम में आपने करा होगा सब्जेक्ट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर भी यही होता है। एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एप्लीकेशन लेते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को डालते जाते हैं और मैनेज करते जाते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी यूजर को देखना हो, मैनिपुलेट करना हो, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो वो कर सके। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी यही कंसेप्ट यूज होता है। अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको मैंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखाया हुआ है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप होता है हमारे पास बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। इसके चार पार्ट है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, मैंने कम ही लिखे हो, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका जरूर क्लियर करूंगा कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अंदर मैंने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर लिए हुए हैं। ये हमारे बेसिक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। सेकंड इसका जो टाइप है डेटा स्ट्रक्चर का, वो है यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम कह सकते हैं डिराइव्ड हुए हैं, जो यूजर ने डिराइव किए हैं इन्हीं से, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि एरे, लिस्ट और फाइल्स। लिस्ट के अंदर हमारी आती है लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट, जो फर्दर डिवाइड होती है हमारी स्टैक एंड क्यूज में, देखिए। और जो हमारी नॉन लीनियर लिस्ट होती है, फर्दर डिवाइड होती है हमारी ट्री और ग्राफ्स में। तो ये हम आगे करेंगे, पूरा का पूरा हमारे पास सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक्स है, धीरे धीरे करेंगे, एक साथ तो नहीं, पागल हो जाएंगे नहीं तो। तो हमने अब देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं। देखिए फिर से बता देता हूँ, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब बिल्ट इन के अंदर हमने क्या लिया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, जो सी लैंग्वेज ने हम कह सकते हैं हमें बना के दिए हैं खुद। तो देखिए कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर आते हैं, जो सिस्टम के अंदर पहले से ही बने, जो एलिमेंट्री हम कह सकते हैं, जो बेसिक है, जो हमारे वो डेटा टाइप्स जो वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और यूजर डिफाइंड जो आगे जाके बड़े हो गए, हम कह सकते हैं कि यूजर्स ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए, हमने एरे बनाया ताकि हम डिफरेंट सेम टाइप के डेटा को इसके अंदर डाल सके, स्ट्रक्चर बनाया, लिस्ट बनाई, फाइल्स बनाई, जो फर्दर आगे जाके डिवाइड हुई। धीरे धीरे इसको सबको करेंगे हम। अब दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब ये मत सोचिए कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप है, ये भी अलग से, जैसे इंटीजर होते हैं ऐसे नहीं, ये भी एक कंसेप्ट है सिर्फ कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है। ये इसके अंदर क्या होता है कि जो हम इसके अंदर कंबाइन करते हैं, क्या कंसेप्ट है बेसिकली पहले तो, जिसे हम शॉर्ट में ADT के नाम से भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हम कंबाइन करते हैं जो डिस्क्रिप्शन होता है डेटा स्ट्रक्चर का और जो उससे रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो, कि एक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना कि क्या है वो, उससे जुड़ी चीजें क्या है, और उससे एसोसिएटेड ऑपरेशंस जो भी टास्क है वो क्या क्या है। थोड़ा सा भी डाउट रहेगा आपके माइंड में, बट आगे जाके जो थोड़ा सा इसके जो हम जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एडीटी की, एडीटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि देखिए पहली पॉइंट है, प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप्स। जो भी इसका डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे ले लिया हमने, तो वो
उसके डेटा टाइप से उसको उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है कि वो इंटीजर टाइप का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है या फ्लोट टाइप का है, रियल किस टाइप का है, तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है उसके डेटा टाइप से हमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि जो भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर लें, स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा हमने, जैसे हमने रोल नंबर क्लास ये लिया, इन सब का आपस में रिलेशन क्या है, ये चीज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, कि वो आपस में एक नाम से जुड़े हुए हैं जो भी हम उसको लेंगे। जैसे कि हमने उसके स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिया या स्ट्रक्चर का नाम लिया स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट नाम से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड क्या है कि उसके ऊपर वैलिड ऑपरेशंस कौन से हैं और उस पर हमने पैरामीटर्स क्या पास किए हुए हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक का टाइप है कि उसके अंदर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हैं, कि शो कराना है, डिलीट कराना है, कुछ भी। धीरे धीरे जैसे हम कंसेप्ट करेंगे लिस्ट का, फाइल्स का, तो आपको पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक मिनट रुकिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीट। मैंने लिया एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला, ऑपरेशंस डाले, डेटा स्ट्रक्चर डाला कि डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज किए हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब इसके अंदर आ गई, और एरर कंडीशंस। देखिए एरर कंडीशंस मतलब जो ऑपरेशन से रिलेटेड एरर कंडीशंस होती है, कि हम चाहते हैं कि कुछ डिलीट करना चाहते हैं बट उससे डिलीट करने की भी कंडीशंस डालते हैं हम, कि ये चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, या इंसर्ट करने की कंडीशन डालते हैं तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वो इस टाइप के एरर्स। तो सारे मिलकर क्या बना दिए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो हमने मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये कंसेप्ट है जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एडप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एडीटी मैंने पूरा का पूरा डायग्राम से बताया कि ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर और एरर कंडीशंस क्या होती है। अब करते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक हमने एडीटी लिया स्टैक्स की। ठीक है, स्टैक हमारा भी एक टाइप होता है, हमारा क्यूज होता है, वैसे स्टैक्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक के अंदर जो ऑपरेशन है मैंने देखे लिए हैं, पुश, पॉप, पिक, साइज इज एम्प्टी, ये डिफरेंट ऑपरेशन है। जैसे पुश में क्या होगा कि हमें कोई आइटम पुश करानी है स्टैक के अंदर, पॉप का मतलब कि कोई वैल्यू हमें वहां से हटानी है, रिटर्न करनी है, पिक का मतलब कि हमें रिटर्न करना जो टॉप मोस्ट हमारे पास एलिमेंट है, साइज का मतलब स्टैक का साइज के कितने एलिमेंट्स हो गए, इज एम्प्टी मतलब चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो ट्रू फॉल्स वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल ये कि ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं एक हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसे देखिए एक डायग्राम मैंने और बनाया है जिसका मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एप्लीकेशन मतलब हमारा प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ मैंने क्या बनाया, एडीटी स्टैक मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टैक का, वो कैसे करेगा, प्रोग्राम बनाया और ऑपरेशंस और स्टैक का जो डेटा है आपस में लिंक कराया इंटरफेस की हेल्प से पूरा। तो हमारे जो ऑपरेशंस है वो देखिए जो डेटा के ऊपर परफॉर्म होते रहते हैं आपस में, और प्रोग्राम के अंदर इसकी पूरी की पूरी कोडिंग है। प्रोग्रामर मतलब जो यूजर है उसको नहीं पता ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया मतलब कंसेप्ट आ गया कि फीचर्स को हाइड कर दिया कैसे हो रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करवा रहे हैं। इसके अंदर अब देखिए, सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ एडीटी डेटा स्ट्रक्चर आर मैनिपुलेटेड थ्रू इंटरफेस। तो इंटरफेस की हेल्प से जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे, जो भी मैनिपुलेशंस होगी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारी की सारी परफॉर्म होगी। मतलब इंटरफेस मतलब जो भी हमें दिखता है उसकी हेल्प से, जो इंटरनल काम करे वो चीज़ भी हम कह सकते हैं सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म होगी। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड डेटा आइटम्स आर हिडन फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब ये चीज़ें कैसे हो रही है ये डेटा यूजर मतलब यूजर को नहीं पता होगी कि चीज़ें कैसे हो रही है इंटरनेट। उसे तो पता है कि भैया तुम्हें पुश कराना है बटन क्लिक करो पुश हो जाएगा, पॉप कराना तो पॉप वाला जो बटन होगा उसे पॉप करो ये पॉप हो जाएगा मतलब वहाँ से हट जाएगा। तो सिंपल मतलब एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी इसके अंदर आ गया कि जो मेन फीचर है कि इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने करी थी कि वो क्या होती है वो हाइड हो जाती है, सिर्फ प्रोग्रामर या यूजर को पता है कि भाई ये कंसेप्ट मतलब हमें पॉप करना है पुश करना है तो इस चीज़ को क्लिक कर दीजिए सारे टास्क हमारे हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले टॉपिक के अंदर इतना ही था, तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।